हेलो फ्रेंड्स, मैं हरि प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोयम जिसका नाम है द वॉयस ऑफ द रेन, हम इसको स्टडी करेंगे। और ये पोयम लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ये पोयम जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन हम लोग पोयम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं, अबाउट द पोएट, कि पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, पोएट कौन है। देखिए, वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। जो वॉल्ट विटमैन है वो अमेरिकन पोएट हैं। ही वॉज अ पैट्रियॉट, वह एक देशभक्त थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819, करा कि वह 31 मई 1819 को पैदा हुए थे। ही वॉज अ फेमस टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स, वह अपने छात्रों के बीच एक प्रसिद्ध टीचर थे। वह अपने छात्रों के बीच जो है काफ़ी लोकप्रिय थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, वह एक जर्नलिस्ट भी थे। He left the world on 26 March 1892 for heaven। कह रहा है कि वह जो है 26 मार्च 1892 में इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। ये तो हो गया पोएट के बारे में थोड़ी जानकारी। और थोड़ा सा पोएम हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी पोएम के बारे में बता देते हैं। इसमें क्या है कि इन द पोएम रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड ईच अदर। इस पोएम में जो है रेन और म्यूजिक को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स, कह रहा है कि उनमें से दोनों जो है अपने सोर्स से उठती हैं। रेन भी जो है अपने सोर्स से उठती है, मतलब तो जमीन समुद्र से उठ करके ऊपर आकाश में जाती है। और जो संगीत भी होता है वो भी अपने सोर्स से उठता है, मतलब गीत गाने वाले से वह निकलता है, सबको प्रसन्न करते हुए फिर उसी के पास सराहना पा करके वापस आ जाता है। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स हैव द वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ अपने सोर्स से उठती हैं और पूरे संसार की मदद करती हैं। दे कम बैक टू देयर सोर्स टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, और फिर क्या आती हैं कि वे दे कम बैक टू देयर सोर्स, फिर वो अपने सोर्स में वापस आ जाती हैं टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, उन्हें सुंदर और शुद्ध बनाने के लिए। अब आइए जो है हम लोग पोएम के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। चूँकि ये पूरी पोएम जो है यहाँ आपके सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पोएम दी गई है। पोएम का टेक्स्ट छोटा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया है। अब आइए इसके टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि एंड हु और डू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, करे कि एंड हु आर डू। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ये अब इस ए आर जो है अब इसको आर लिखा जाता है, ए आर ई आर। तो करे कि एंड हु आर दाउ, इसमें पूछ रहा है कि हु आर दाऊ, तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा टू दिस सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कह रहा कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से। अब यहाँ पर देखिए सौ लिखा हुआ है, शावर का मतलब बौछार होता है या फुहार होता है, ठीक है। इसका मतलब जो है ये फुहार या बौछार होती है, तो उसके फुहार का मतलब बारिश है, तो हम इसको यहाँ पर बारिश ही बोलेंगे। तो इसमें करा है, फिर से बता दूँ इसको, करा है कि एंड हु और डू, तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, करा है कि धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से। विच स्टैंड्स टू टेल गेव मी एन आंसर एज ये ट्रांसलेटेड, इसमें करा है कि विच स्टैंड्स टू टेल, करा है कि कहने में बड़ा अजीब लग रहा है कि गेव मी एन आंसर, कि जिसने मुझे आंसर दिया, कह रहा है कि विच गेव मी एन आंसर, जिसने मुझे आंसर दिया, कौन, बारिश ने मुझे उत्तर दिया। कह रहा है स्टैंड्स टू टेल, ये कहने में बड़ा अजीब लग रहा है या बड़ी हैरानी हो रही है कि बारिश ने मुझे उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया, कह रहा है एज ही ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर इसका ट्रांसलेट किया गया, मतलब अनुवाद किया गया है नीचे, ये जो नीचे वाली ये है इस यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। देखिए बारिश क्या उत्तर देती है, बैस उत्तर देती है, करे कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, करे कि मैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉयस ऑफ द रेन, करे कि उस बारिश की आवाज़ ने कहा, उसने क्या कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, बारिश की आवाज़ ने कहा। फिर करे कि एटर्नल आई राइज इम्प्लेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, तो कि यहाँ पर जो ये है इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है अनंत। अब यहाँ पर इसका मतलब अनवरत रूप से,
आई राइज, मैं उठती हूँ। और इधर लिखा है इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, कोई चीज़ जिसको स्पर्श न किया जा सके, या जिसे आप कहते हैं अदृश्य रूप से, स्पर्श न किया जा सके, छुआ ना जा सके, मतलब वो चीज़ अदृश्य है। तो ये कहना कि इट अनंत रूप से आई राइज, मैं उठती हूँ इन पॉल्पेबल, कह रहा कि अदृश्य रूप से आउट ऑफ द लैंड, कहाँ से, जमीन पर से, भूमि से या पृथ्वी पर से, एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से, एंड बॉटमलेस सी, और अथाह सागर से। बारिश अपने को करे, क्योंकि बारिश जो है पहले जलवाष्प जो है पृथ्वी पर से और सागर में से, नदियों में से, तालाबों में से, जहाँ ये जो नमी रहती है पृथ्वी में, वह जलवाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होती है, अनवरत जो है आकाश में चलती रहती है, अनवरत जो है उसका वाष्पीकरण होता रहता है, फिर ऊपर जाती है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो उसी चीज़ को कह रहा है यहाँ पर, फिर से मैं कर दूँ, कह रहा है कि एटर्नल, एटर मतलब अनवरत रूप से, अनवरत रूप से इसलिए कह रहा है क्योंकि वाष्पीकरण जो है अनवरत निरंतर जारी रहता है, सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता रहता है। कह रहा है कि अनंत रूप से आई राइज, मैं उठती हूँ, ऊपर उठती हूँ, इम्पॉल्पेबल, कह रहा है कि इम्पॉल मतलब अदृश्य रूप से, अभी बताया मैंने इम्पॉल्पेबल मतलब है जिसे टच नहीं किया जा सके, कह रहा है कि अदृश्य रूप से आउट ऑफ द लैंड, कह रहा है पृथ्वी पर से, एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस का मतलब अथाह, और अथाह सागर से, मैं निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, कह रहा है कि किधर उठती रहती, कह रहा है अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ, हेवन मतलब स्वर्ग की तरफ, और स्वर्ग मतलब आकाश की तरफ, बताया कि निरंतर मैं जो है अनवरत भूमि से और अथाह सागर में से अनवरत आकाश की तरफ उठती रहती हूँ। वेंस, करे जहाँ, वैगली, वैगली, वैगली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, वैगली मतलब क्या होता है अस्पष्ट रूप से, फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब आकार ग्रहण कर लेना, करे कि जहाँ वैगली फॉर्म्ड, जहाँ मैं जो है एक अस्पष्ट आकार ग्रहण कर लेती हूँ, ऊपर जाती है जो है जलवाष्प के रूप में, जल जो है नीचे जमीन से या सागर से जो है जलवाष्प के रूप में ऊपर जाता है, और तो वह बादलों का रूप धारण कर लेता है, बादलों का आकार जो है अनियमित होता है, तो वहीं कह रहा है कि अस्पष्ट आकार ग्रहण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, क्या कह रहे कि ऑल टुगेदर मैं पूरी तरह चेंज हो जाती हूँ, क्योंकि नीचे तो द्रव अवस्था में है, और जो ऊपर जाती है तो वह क्या हो जाती है, क्लाउड के रूप में, बादल के रूप में हो जाती है, तो पूरी तरह क्या हो जाती है, पूरी तरह चेंज हो जाती है। एंड एट, कह रहे हैं एंड एट, और फिर भी द सेम, फिर भी मैं एक जैसी रहती हूँ, एक जैसे मतलब फिर भी रहता तो वाटर ही है ना, भले ही बादल में चेंज है लेकिन रहता तो पानी है, तो वहीं करा है कि ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से बदल जाती हूँ, एट एट करें एट एंड एट, और फिर भी द सेम, एक समान रहती हूँ, अर्थात मैं पानी ही रहती हूँ। नेक्स्ट है करें कि आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है नीचे उतरना, ठीक है, टू लॉक, लॉक मतलब होता है वॉश, धोना होता है, ड्रॉट्स मीन्स सूखा होता है, एटोमीज, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ATOMIES रहेगा ना, यहाँ पर जहाँ सी है वहाँ पर ई रहेगा, एटोमिस, एटोमिस का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर का मतलब धूल की परतें, और ग्लोब का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से, अर्थ से है। अब फिर बारिश क्या कर रही है, करे कि आई डिसेंड, मैं नीचे उतरती हूँ, टू लाओ, धोने के लिए, किसको धोने के लिए, द ड्रॉट्स, सूखे को धोने के लिए, मतलब जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। एटोमीज, एटोम मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी पर डस्ट लेयर्स, धूल की परतों को धोने के लिए, मैं नीचे उतरती हूं सूखे को धोने के लिए, मतलब सूखे को समाप्त कर धोने, मतलब सूखे को समाप्त करने के लिए। एटोमीज, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी की डस्ट लेयर को, धूल की परतों को धोने के लिए। फिर कह रहा है कि एंड ऑल और सारी चीजें, दैट इन देम, जो उसमें है, किसमें है, एंड ऑल दैट इन देम, वे सारी चीज जो उसमें, मतलब जो पृथ्वी के अंदर, वे सारी चीज जो पृथ्वी के अंदर है, विदाउट मी, मेरे बिना, कह रहा है वर सीड्स ओनली, केवल यह बीज के समान है, कह रहा है जितनी चीज़ें पृथ्वी में मेरे बिना क्या है, केवल बीज के समान है,
जैसे बीज धरती में रहता है, यदि पानी न पड़े तो बीज कदापि अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह कराया कि पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं मेरे बिना केवल बीज के समान हैं, मतलब उनका कोई महत्व नहीं है। यदि बारिश नहीं है तो कुछ नहीं है, बारिश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि समझे इसको, इसमें कह रहा है कि एंड ऑल, और वे सारी चीजें दैट इन देम, जो उसमें है मतलब पृथ्वी के अंदर है, विदाउट मी, कह रहा है ये मेरे बिना वर सीड्स ओनली, केवल ये बीज के समान है। कह रहा है लेटेंट, जो छुपे, कह रहा है वह बीज लेटेंट जो छुपा रहता है, अनबार और जो अजन्मा रहता है, मतलब मेरे बिना पृथ्वी के अंदर सारी चीजें उस छुपे हुए और अजन्मे बीज के समान है। मतलब मेरे बिना जो है पृथ्वी पर और भी चीजों का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए फिर नीचे क्या कह रहा है, बारिश करे कि एंड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब होता है फॉर एलवेज, सदैव के लिए, हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, सदैव के लिए। कह रहा है कि एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कह रहे कि आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस पुनः जीवन देती हूँ किसको, टू माई ओरिजिन को, अपने ओरिजिन को, ओरिजिन मतलब अपने उत्पत्ति को अर्थात अपने स्रोत को, जिससे मैं उत्पन्न होती हूँ। जो बारिश है वह कहाँ से गई है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन जो है वह पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है जल से या थल से जो है जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, और फिर बारिश वही फिर पृथ्वी पर आकर क्या करती है, पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है, मतलब हरा भरा कर देती है। उसी बात को वह कह रहा है, बार में फिर समझा चुका है कि एंड फॉर एवर, और सदैव के लिए, डे बाय डे या हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, हमेशा दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन देती हूँ किसको, टू माई ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति को या अपने स्रोत को, मैं अपने स्रोत को पुनः जीवन वापस देती हूँ, अर्थात बारिश जो है पृथ्वी को पुनः जीवन प्रदान करती है, क्योंकि यदि बारिश ना हो तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। फिक्र है कि एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और क्या करती हूँ, एंड मेक प्योर, और इसे शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाइड, और क्या करती हूँ इसे सुंदर बनाती हूँ, इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूँ। बारिश होती है तो सारी चीज़ें जो है धुल जाती है, शुद्धियाँ धुल जाती हैं, और क्या होती है, और पृथ्वी पर पेड़ पौधे जो है पुष्पित, फूल पौधे जो है पुष्पित और पल्लवित होने लगते हैं, तो पृथ्वी एक नया जीवन पा जाती है। तो वहीं कराया कि एंड मेक प्योर, से शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, और से और इसे क्या करती हूँ, इसे सुंदर बनाती हूँ। अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब यह बारिश, ये बारिश का शब्द नहीं है, बारिश का शब्द नहीं है, अब ये पोएट यहाँ पर अपने विचारों को रख रहा है। अब ये कह रहा है कि फॉर, क्योंकि दिस सॉन्ग, क्योंकि मैं गीत की तरह हूँ, ठीक इस कह रहा है, ठीक जैसे गीत जो है इस स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, या अपने बर्थ प्लेस से उत्पन्न होता है, अपने जन्म स्थान से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद, वांडरिंग भ्रमण करते हुए, रेक्ट आर अनरेक्ट, चाहे कोई ध्यान दे या न दे, रेक्ट का मतलब होता है ध्यान देना, चाहे कोई ध्यान दे आर अनरेक्ट या ध्यान न दे, कह रहा है कि डली उचित समय पर विथ लव, प्रेम के साथ रिटर्न्स, वापस लौट आती हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब इस जो रेन है, बारिश की तुलना किससे की गई है, इसको, इसका कंपैरिजन जो है म्यूजिक से किया गया है। जैसे एक संगीतकार से संगीत उत्पन्न होता है, वह लोगों के पास जाता है, लोगों का मनोरंजन करता है, खुशी प्रदान करता है, और सहानुभूति लेकर, लोगों की प्रशंसा लेकर वापस ठीक उसके पास लौट आता है, तो पृथ्वी भी ठीक वैसी है, वह अपने ओरिजिन से उत्पन्न होती है, अपने वह पृथ्वी से ऊपर उड़ती है, ऊपर जाती है, भ्रमण करती है, और फिर जो है वह पृथ्वी पर वापस आ जाती है, और पृथ्वी को जीवंत कर देती है। ये कह रहा है कि फॉर द सॉन्ग, क्योंकि यह गीत की तरह है, जैसे कि गीत जो है इसमें बाहर निकलना, इसिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने जन्मस्थान से बाहर निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट क्या होता है, पूर्ण करना, पूर्ण करने का मतलब क्या है, अपना उद्देश्य पूरा करना, अपना कार्य पूरा करना, अपनी इच्छा पूर्ण करना, आप कुछ भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि और वांडिंग मतलब होता है भ्रमण करना,
कह रहा है कि यह जो है गीत की तरह है, जैसे कि स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थप्लेस, गीत जो है अपने जन्मस्थान से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट और अपने उद्देश्य को पूर्ण करके, अपने कार्य को पूर्ण करके वांडरिंग भ्रमण करते हुए जो है रेक्ट आर अनरेक्ट, चाहे कोई इस पर ध्यान दे या न दे, कह रहा है कि डली उचित समय पर विथ लव रिटर्न्स, और प्रेम पूर्वक वो वापस आ जाता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी जो है बारिश जो है पृथ्वी अपने जन्म स्थान, उसका जन्म स्थान क्या है पृथ्वी, पृथ्वी से ऊपर जाती है आकाश में, फिर भ्रमण करती है और एक उचित समय पर वह जो है वापस पृथ्वी पर आकर के खुशियां फैलाती है। फ्रेंड्स ये पोएम जो है कंप्लीट हुई और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू।